हेलो दोस्तों, मैं राज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एसएससी जीडी के आज समाप्ति हो चुके हैं और 15 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। हमने अभी एनालिसिस किया है मैथ्स का, तो आप जाके मैथ्स का भी वीडियो देख लेंगे और साथ साथ चलिए हम जीके जीएस का वीडियो भी डाल रहे हैं और जीके जीएस का देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। फ्रेंड चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले फ्रेंड क्वेश्चन आया है आपका, कह रहा है कि अप टू ये अरुणोदय, ठीक है, अरुणोदय ये योजना किस राज्य ने शुरू की है। दोस्तों, अरुणोदय योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये इसने की है असम में। किसने की है? असम ने, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कह रहे 2 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई। कब हुई? अरुणोदय जो योजना है असम ने शुरू की है और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 को की गई, ठीक है, जिसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और इस राज्य भाषा यहाँ की है असमिया है। असम की राजपाल अभी जो फिलहाल यहाँ पे जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है? हेमंत बिस्वा सरमा, जो कि भाजपा के हैं, बीजेपी से हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कुछ इस तरह से, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो फ्रेंड वो आपका कह रहा है कि अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन है दोस्तों? तो अनुच्छेद 44 में जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब जितने भी नागरिक हैं उनके लिए समान सिविल, समान काम, सब कुछ के लिए ही उसमें क्या समावेशन किया गया है, मेंशन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है फ्रेंड? हरियाणा में लगता है, ठीक है दोस्तों। सूरज कुंड मेला लगता है हरियाणा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था, आगरा किस नदी के किनारे है? तो आगरा कहाँ है दोस्तों? यमुना नदी। आगरा कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड, आप प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों ये फिलहाल मैं अभी से आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, फिर मैं दोबारा आपको पीडीएफ बना करके सारा वहाँ पे डाल दूंगा, आप जाकर टेलीग्राम में जरूर जाकर देख लें, ठीक है। आपका आपदा, ये आप नहीं है, आपदा है दोस्तों, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन का जो है प्रमुख वो कौन होता है, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि लियाकत नेहरू समझौता का उद्देश्य क्या था? लियाकत नेहरू जो हुआ था उसका समझौता जो हुए थे उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पहाड़, पर्वत जो होते हैं फ्रेंड उसके ऊपरी भूमि को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो उसकी ऊपरी भूमि सपाट होती है, सटा उसे पठार कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस तरह से है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड अमीर खुसरो जो दरबारी कवि थे वो किसके थे? तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ठीक है। अमीर खुसरो 1235 से 1325 में रहे थे, ठीक है, इनका जो कार्यकाल था। और अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य के पिता क्या क्या कहा जाता है सोच लीजिए, उर्दू साहित्य के पिता, कव्वाली के पिता, और भारत की आवाज़ और तोता ए हिंद कहा जाता है। कितने नामों से इन्हें लिया गया? अमीर खुसरो किसके कवि थे दरबारी कवि? तो अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। अमीर खुसरो का उपनाम क्या कहा है? तो साहित्य के पिता, कव्वाली के पिता, भारत की आवाज़ और तोता ए हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता का कितना पानी भारत उपयोग करता है, करेगा, ठीक है। तो सिंधु समझौता फ्रेंड जो हुआ था इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को, कराची में 19 सितंबर 1960 को ही बातें हुई थी, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उस वक्त वो जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने मिलकर हस्ताक्षर किया था। उसमें बातें हुई थी कि भारत जो है उसका 20% पानी ही यूज कर पाएगा, यानी भारत के साइड उसका 20% ही पानी आएगा। दोस्तों नेक्स्ट है पूजनीय का वर्तनीय क्या है? दोस्तों पूजनीय एक तरह से क्या होता है, ये वर्ड होता है शुद्धिकरण का, मतलब आपके जैसे मान लीजिए ये शुद्ध वर्ड इसका ये है पूजनीय, हो सकता है आपके हो सकते हैं ऐसे दिया होगा, है ना, मान लीजिए ऐसे पूजनीय दिया हुआ है, ठीक है, इसका शुद्धिकरण क्या होगा, ऐसा शुद्धिकरण वर्ड होगा, ठीक है दोस्तों, बस यही था। नेक्स्ट है मौन, मतलब साइलेंट का समानार्थी शब्द क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो मौन मतलब चुप रहना, साइलेंट रहना, खामोश एक था ना, खामोश किसका था डायलॉग, ये मुझे जरूर बताएंगे आप, ठीक है, खामोश का डायलॉग था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, कमल, करेक्ट, कमल का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो कमल का पर्यायवाची शब्द है नलिन, अरविंद, उत्पल, अंबोज, ताम्रस, पुष्कर, महोत्पल, वनस, कंज, ये सब सारे क्या है, पंकज, ये सारे हैं कमल के समानार्थी शब्द, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास आज की अभी के जो क्वेश्चन आई थी बस इतनी आई थी, आज हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा या फिर सेकंड वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारे पास अभी मैंने इतना जितना क्वेश्चन आया मैंने डाल दिया। और साथ साथ मैं आपके साथ एक ये भी कहना चाहूँगा कि कल हमारे साथ इस चैनल पर 7 बजे शाम से लाइव स्टार्ट हो रही है ग्रुप डी और NTPC 2 से रिलेटेड क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और हमारे जो व्हाट्सएप है यूट्यूब पे दे दिया जाएगा, तो आप उससे जाके कल से जरूर जुड़े, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड थैंक यू। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जल्द से जल्द फिर आपको क्या है GDP कट ऑफ भी देने वाले हैं, तो आप मेरे लिंक से बने रहिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसका फायदा उठा सकें, ठीक है दोस्तों। ओके बाय एंड थैंक यू।